हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी बेबी की हेल्प कर सकते हैं पेट की गैस रिलीफ करने में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ली मॉम। नंबर वन पॉइंट जो है वो ये है कि आपको डेली अपनी बेबी को मसाज करना है। मसाज करते वक्त भी आपको स्पेशली कुछ एक्सरसाइजेस करवानी है जिससे कि बेबी को हेल्प हो पेट की गैस निकलने में। तो ये जो कैसे आप अपने बेबी को हेल्प करोगे एक्सरसाइज करने के लिए, इसकी वीडियो जो है डिटेल में मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप पहले वीडियो देख लीजिए। सो गाइस, अब वीडियो आपने देख लिया है एंड आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं कैसे जो है अपने बेबी को एक्सरसाइज करवानी है। ये एक्सरसाइज आप जो 10 बार मतलब एक जो पोजीशन में एक्सरसाइज हो रही है जैसे टांगों को पेट के साथ लगाना है, वो वाली एक्सरसाइज आप 10 टाइम या 15 टाइम आप कर सकते हैं। तो ये दिन में आप 2-3 बार भी कर सकते हैं। इसे नेचुरल रेमडीज के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे ही एक्सरसाइज करवानी है एंड मालिश तो आप बेबी की करते ही हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका बेबी जो है बोटल फीड करता है, क्योंकि गैस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बेबीज को होती है जो बेबीज बोटल फीड करते हैं। सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को खाली बोतल मत दीजिए पीने के लिए। क्या होता है कि अगर दूध खत्म हो जाता है बोतल का, बट फिर भी बच्चे चाहते हैं कि वो बोतल जो है मुँह में रखें, तो उस केस में आप क्या कर सकती हैं? आप मैं वैसे तो पैसे फैल देने के लिए सब मना करते हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि बच्चे को गैस करने से, क्योंकि बच्चे हमें जब गैस होता है हमें कितने पेट में दर्द होती है, तो वो बच्चा उससे कितनी ज़्यादा होती होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए एटलीस्ट अगर मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी है, दूध उसने पी लिया है, क्योंकि क्या किया कई बार क्या होता है कि बच्चे दूध तो कम्प्लीट फिनिश कर चुके होते हैं बट स्टिल रो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनको अच्छा लगता है दूध, मतलब यू नो दे फील कम्फर्टेबल जब वो चूंगते हैं। तो अब उस केस में आप जो है अपने बेबी को चूंगनी पेस्टिफायर दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें आप कोई गलत मॉम नहीं हो जाती यू नो। बहुत से लोग जो है ये ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे हैं तो आप अच्छी मॉम नहीं। सो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो फटा नहीं चाहिए। एंड अगर आपके बेबी जो बॉटल फीड कर रहे हैं फिर भी खाली बॉटल देने से अच्छा आप चुंगनी दे दीजिए, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, उसको खाली बॉटल बिल्कुल नहीं देंगे। इसका कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है कि आप खाली बॉटल बिल्कुल मत दीजिए। खाली बॉटल से जो है बेबी को एक्सेसिव गैस बनती है, वो गैस को सक मतलब हवा को सक करता रहता है जिसकी वजह से गैस बनती है। थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी बॉटल से रिलेटेड ही। जब हम बॉटल को शेक करते हैं, जब हम खासकर जब हम फॉर्मूला फीड जो हम बेबी को देते हैं उसी से हम जो पाउडर डाल के दूध में, तो उसको शेक करना होता है। तो कोशिश कीजिए जा तो आप उस जो आप जो शेक कर रहे हैं वो आप अवॉइड कीजिए। आप जो है घोल के किसी बाउल में किसी में घोल के उसे मिल्क तैयार कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा रश में है आप तो फिर थोड़ा कम शेक कीजिए ताकि बबल्स कम बने। जितने बबल्स कम बनेंगे उतनी हवा जो है दूध में कम मिक्स होगी। सो देयर आर सम पॉइंट्स जो है आप ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको जो है अगर आपको मालूम है कि आपका बच्चे को ज़्यादातर गैस बनी रहती है, ज़्यादातर जो है उसको पॉटी में प्रॉब्लम आती है, स्टूल पास करने प्रॉब्लम आती है, तो आप इस खासकर जो दवाई जो मेडिसिन जो है डॉक्टर ने लिखी हुई या दी हुई प्रिस्क्राइब की हुई वो दवाई ज़रूर दें। उसको 2-3 बार भी दे सकती हैं, बच्चे में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हर फीड से पहले वो दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो जो मैं वैसे आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ब्रांड टू यू एंड नॉट रिकमेंडिंग एनी मेडिसिन बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट स्टिल मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से और मैं अपने बच्चे को क्या जाती हूँ वो मैं बता देती हूँ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कॉलिक एड करके एक गैस की मेडिसिन आती है, मैं वो यूज़ करती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी होम रेमेडी भी बता देती हूँ। होम रेमेडी ये है कि आपको आटा जो गूथा हुआ आटा होता है वो इतना सा आटा आप गोली से ले रही है इतना सा, एंड उसको कोसा तेल कर लेना, कोसा कोसा कम से हो गया, थोड़ा सा लूप वार्म जिसे बोलते हैं वो करके उसमें डुबो दिए। तो आपको बच्चे के पेट पे ऐसे मान लीजिए ये पेट है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे फेरना है, धीरे धीरे इसे ऐसे फेरना है क्लॉकवाइज ना,
क्लॉक वाइज आपको फिरना है, तो इससे भी बच्चे को आराम मिलता है कि। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप जो अपने बेबी को रिलीफ पहुँचा सकते हैं एक्सेस पेन से, गैस की पेन से। तो थैंक यू सो मच।